मोतिहारी में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का हुआ आगाज, जिसका उद्घाटन पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री व सांसद राधा मोहन सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर कला संस्कृति विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार, सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह समेत कई भाजपा विधायक और विभागीय अधिकारी मौजूद थे। जिला प्रशासन के सहयोग से जिला स्कूल के मैदान में आयोजित युवा उत्सव में पहले दिन लोक कलाओं पर आधारित कार्यक्रम हुआ, जिसमें विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। युवा उत्सव के उद्घाटन के पश्चात पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि मोतिहारी में पहली बार आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के लिए कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार को बधाई दिया। पूर्व मंत्री ने कहा कि इस युवा उत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलाकार आगामी 12 जनवरी को लखनऊ में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। न्यूजीलैंड के लिए मोतिहारी से राजेश कुमार की रिपोर्ट। कला एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार है, किसी न किसी राज्य में देश के सभी राज्यों के सहयोग से एक उत्सव का आयोजन करते हैं, जिसमें देश के चयनित कलाकार को ललित कला पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उसके पहले हर राज्य के अंदर इस प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं और उसमें प्रतिगामी भाग लेते हैं और चुनकर वहां जाते हैं। इस बार बिहार का जो ये उत्सव हो रहा है मोतिहारी के अंदर, और मैं इसके लिए यहां के विधायक और बिहार सरकार के मंत्री माननीय प्रमोद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इसका आयोजन मोतिहारी के अंदर किया, और बिहार के सभी जिला के युवा कलाकार भाई बहन यहाँ आए हुए हैं और मोतिहारी के लोग यहाँ की प्रशासन पूरा उनके स्वागत में लगा हुआ है। और मेरी मंगल कामना यह है कि यहाँ से जो हमारे कलाकार हैं बिहार के, वो जब लखनऊ जाएंगे राष्ट्रीय उत्सव में भाग लेंगे तो वहाँ भी विजेता बनेंगे, ये हमारी मंगल कामना है।